हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है बागडोआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सुरतगढ़ के अंदर। आज हम बात करते हैं गतांग करनी पार्ट नंबर 2 की। फर्स्ट वीडियो गतांग करनी का इस यूट्यूब पर पड़ा है, आप देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखा है। जो भी एसएससी, सीजीएल, रेलवे, सीएचएसएल, बैंक, आर्मी, जीडी, दिल्ली पुलिस, सीएटी राजस्थान गवर्नमेंट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास, ये प्लेटफॉर्म काफी यूजफुल है। एक बार इसको सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को नोट करें। इस प्रकार के क्वेश्चन दो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं और ये क्वेश्चन जब भी गतांग करनी में से एग्जामिनर सेट करता है तो ये क्वेश्चन उसके फेवरेट क्वेश्चनों में से एक होते हैं। आपको ये डाटा दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ये वाला मान, ये आपको बताना है कि इसका अवरोही क्रम कौन सा है। कौन सा क्रम बताना है? अवरोही क्रम आपको बताना है। अवरोही का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, इस तरह से होता है। तो अब इसको देखने से तो पता चलेगा नहीं भी कौन सा अवरोही है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। इसको क्या करेंगे, हम एक गतांग के अंदर बदलने की कोशिश करेंगे। किस तरह से सोल्यूशन करेंगे देखें। चार रूट तीन है, इसको मैंने क्या बताया था, पहले भी बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, ये करनी होता है। आगे लिखा होता ये करनी है, ये भी करनी है, ये भी क्या है, करनी। तो इसको जैसे आप चेंज करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 1/4, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 1/6 और इसको लिख सकते हैं 25 की घात 1/12। अब बताएं भी, कोई डाउट है क्या? अब बताएं इसमें कोई डाउट है क्या? ये करनी तो थी, उसको अपने ऐसे लिख। अब इसकी देखें 1/4 है, इसकी 1/2 है, इसकी 1/12 है। तो हम क्या करते हैं, सभी को एक घात में बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी 1/12 बना देंगे। 1/12 तो इधर है, तो इसको 1/12 कैसे बना सकते हैं? अब देखो, इस 1/4 को 1/12 आप तभी बना सकते हो जब 3 का गुणा करोगे, 3 का भाग करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसको आप कब बना सकते हैं 1/12? जब आपको 2 से गुणा करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, ये 25 का 1/12, ठीक है। अब देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 की घात 3 और 4 / 1/12। डाउट है भैया? ये 3 था, इस 3 के ऊपर लिख दिया और 4 का 12 से गुणा कर दिया, 1/12। ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 2 और ये 6 / 2 = 12 और ये हो जाएगा हमारा 25 की 1/12। अब देखो सभी की घात सेम है, 1/12, 1/12, 1/12। अब हम बीच वाली संख्या को आसानी से देख सकते हैं, 3 की पावर 3 का मतलब 27, ये 100, ये 25। अब बताओ भैया बड़ी संख्या कौन सी है? ये बड़ी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो क्रम कौन सा बनेगा? अवरोही क्रम में सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? सेकंड वाली 6, ये वाली। उसके बाद कौन सी संख्या आने वाली है? ये वाली। और उसके बाद कौन सी संख्या आने वाली है? ठीक ना, ये अवरोही क्रम बन गया। ये कौन सा क्रम बन चुका है? अवरोही क्रम बन चुका है। बात आई समझे? इस तरह से हम इन अवरोही क्रम को, या अब आपसे पूछा जाता अरोही, अरोही पूछा जाता तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो अरोही का मतलब है छोटे से बड़े की, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की। बात आई क्या समझे? तो जो भी आपने टारगेट बना रखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइल करने का, उसमें सिलेक्शन पाने का और इसी वर्ष पाने का, तो भैया कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क करना शुरू कर दे। कॉन्सेप्ट को रट्टा मारना ना, रट्टा ना मारे, उसको समझने की कोशिश करें कि भैया क्वेश्चन बोलता क्या है और हमें इसका सोल्यूशन 30 सेकंड से पहले किस तरह से हल करना है। प्रैक्टिस होगी तो ही आप हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये √2, √3, √6 का कौन सा क्रम होगा? आपको क्या बताना है? क्रम बताना है ना। इसमें पूछा अरोही, ना पूछा अवरोही, इसने पूछा क्रम कौन सा होगा। तो अब देखो, क्रम बनाने के लिए इसको हम चेंज कैसे करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 2 की √1/2, इसको लिख सकते हैं 3 की 1/3 और इसको लिख सकते हैं 6 की 1/6। अब हम क्या करेंगे, सभी को 1 पावर बनाएंगे। अगर इन दोनों को हम 1/6 बना दे तो 1/6 तो उधर पड़ा ही है, तो किस तरह से बनाएंगे देखें। अगर मैं इसको
तीन से गुणा कर दूं, तीन से भाग कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं दो से गुणा कर दूं, दो से ही भाग कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, एक बटा छह विषय का विषय। अब देखो ये तीन इस पे आ जाएगा दो की घात तीन, और ये एक बटा छह हो जाएगा, ये हो जाएगा तीन की घात दो, ये वाला दो इस पर आ जाएगा और एक बटा छह, और ये हो जाएगा छह की एक बटा में छह। अब देखें सभी की घात एक बटा छह, एक बटा छह, एक बटा छह, एक बटा छह, अंदर वाले को बाहर निकालो, दो की तीन का मतबला, इसका मतबल नो और इसका मतबल छह। अब देखो अब बताएं क्रम बड़ा कौन सा, ये वाला, उसके बाद ये और इसके बाद, तो क्रम क्या बनेगा, तीन रूट तीन रूट दो और छह रूट ये, ठीक ना, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये और इसके बाद ये क्रम बने। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम घातांक और करने में सॉल्यूशन करते हैं, और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल इजी तरीके से आपको सॉल्यूशन करवाया जा रहा है बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सरल कीजिए और इसको भी हल करना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी घातांक और करने में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करें, इसको क्वेश्चन को, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, जब हमारे पास भिन्न में प्लस या माइनस होता है तो हम एलसीएम लेके हल करते हैं। इसका और इसका हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, देख सकते हैं आप, ये दोनों संख्या आ जाएगी अलग अलग है, तो ये भी एलसीएम है और ये भी हमारा क्या आ गया, एलसीएम। इट्स ओके, ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम और ये भी हमारा क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जब इस एलसीएम का इससे डिवाइडेशन करते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, ये बच जाता इतना, ये वाली संख्या इससे जाके क्या करती है, गुणा करती है। तो आप देखेंगे ये और ये क्या है, दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा रूट तीन प्लस रूट दो की स्केल, ठीक है। उसके बाद आप इसमें डिवाइडेशन करेंगे, ये कैंसिल आउट, ये बच जाएगा, ये ऊपर जाके गुणा करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट तीन माइनस रूट दो की, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्यूशन कर, ये भी अब देखो इसकी भी स्क्वायर बन रही है, इसकी भी स्क्वायर बन रही, इसको क्वेश्चन को हल करने के लिए जब भी इसकी स्क्वायर बनती है बीच में प्लस या माइनस होता है तो सबसे पहले पहले की स्क्वायर करते हैं, रूट तीन की स्क्वायर कितनी होगी, रूट तीन की स्क्वायर तीन होगी, उसके बाद हम दो लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, दो लिखते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो रूट छह हो जाता है, उसके बाद दूसरी संख्या की स्क्वायर कर देते हैं। बात आई समझे, अरे भैया जब भी संख्या में प्लस या माइनस बीच में होता है ऊपर स्क्वायर होती है तो पहली संख्या की स्क्वायर करते हैं, उसके बाद दो लिखते हैं, पहली और दूसरी का गुणा करते हैं और उसके बाद प्लस में क्या लिखते हैं, दूसरी संख्या की स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ बार क्या है, माइनस का निशान है, इसको खोलो, अब यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, और बीच में माइनस का निशान है तो कोई बात नहीं, यहाँ पहली संख्या की स्क्वायर थी, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अरे भैया यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब माइनस है तो क्या करेंगे, दो तो लिखना ही है, पहली और दूसरी का गुणा करेंगे और प्लस में क्या, दूसरी संख्या की, ठीक है। बटा में देखो, बटा में देखो, ये संख्या प्लस में है और ये संख्या माइनस में, जब दो संख्या प्लस या माइनस में होती है तो पहली संख्या की स्क्वायर और दूसरी संख्या की स्क्वायर हो जाती है। अरे भैया पहली संख्या माइनस प्लस में है और ये भी माइनस प्लस में क्या है, मंगल मतलब ये माइनस में ये प्लस में, तो पहली संख्या की स्क्वायर होगी रूट तीन की स्क्वायर और माइनस रूट दो की, इसको ऐसे लिखे, ठीक है ना, जब प्लस माइनस में हो। अब देखो इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा तीन प्लस दो रूट दो प्लस दो, बाहर माइनस के निशान हो तो अंदर वाले निशान बदल जाते हैं, ये पता है ना, अंदर वाले निशान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, रूट तीन की स्क्वायर तीन और रूट दो की दो। अब देखो तीन से तीन कैंसिल आओ, दो से दो कैंसिल आओ, ये हो जाएगा रूट दो छह और रूट दो छह कितने हो जाएंगे, चार रूट छह, बटा में एक, तो आंसर कितना आएगा, चार रूट छह, आंसर कितना आएगा, चार रूट छह आंसर आएगा, चार रूट छह आंसर आएगा। इसको सोल्यूशन करेंगे, अब देखो इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, तीनों अलग अलग,
अब एलसीएम लेके हल करेंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो इसको कम टाइम में सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी पहले इस बिन को हल कर लेते हैं, फिर इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने का मतलब क्या होता है, जब बट्टा में कोई रूट वाली संख्या होती है तो उसका उल्टा निशान लेके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, प्रमेयीकरण कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2/5√3। इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो 5√-3/5√-3। इसका प्रमेयीकरण अलग, इसको सोल्यूशन पहले अलग कर रहे, फिर इसको कर लेंगे, फिर इसको लेकर सिंपल बढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद जैसे ही आप इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, इसके अंदर गुणा करेंगे 2√5 - आपका हो गया 2√3, ठीक है। या ऐसे नहीं करना तो आप आसानी से इसको छोड़ो, आप इसको हल, ये आपके पास 2√5 - √3, ये 2 गुणा कर रहा है, ये तो ठीक है। अब देख अभी मैंने क्या बताया था, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो संख्या, तो पहली संख्या की स्केयर और दूसरी संख्या की स्केयर होता है, माइनस आता है, रूट पांच की स्केयर 5 माइनस रूट 3 की स्केयर 3। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/5√-3/2 कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आया 5 - √3। इसका आंसर इतना 5 - √3। अब देखो उसका देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हमारी दूसरी संख्या 6√6 - √3, यही है 6√-3। अब इसका उल्टा गुणा करेंगे तो 6√+√3/√6 - √3 गुणा होगा 6√+√3। बात आई क्या, समझे? अरे भैया इस संख्या को हमने सोल्यूशन कर दिया, अब इसको सोल्यूशन कर रहे हैं उल्टा निशान लेके, प्रमेयीकरण कर। तो ये आप देखेंगे ये हो जाएगा हमारा 3√6+√3/। अब देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो पहली संख्या किसके रूट छे की स्केयर 6 - 3, तो इसको हल करेंगे तो ये आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, आंसर आएगा 6√+√3, 6√+√3 आएगा। अब आप समझ गए होंगे जब हमने इसको हल किया तो ये वाला संख्या उल्टा निशान वाला, और इसको हल किया इसका उल्टा वाला आया, इसको हल करेंगे ना 1/√6+√5, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर √6 - √5 है। इसको हल किया तो इसका उल्टा निशान आंसर आया, इसको हल किया इसका उल्टा निशान आंसर आया, इसको हल करेंगे तो भी इसका उल्टा निशान आंसर आएगा। अब देखो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, √5 - √3, इसका आंसर कितना था √6+√3, और इसका आंसर था √6 - √5। अब देखें आप √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, √5 से √5 कैंसिल आउट, आंसर हमारा बन जाएगा 2√6 आंसर आएगा। तो इस प्रकार हम घातांक और कटनी के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो आपने घर वालों को, अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को, अपने बुजुर्ग दादा दादी को जो सपना दिखाया था सरकारी नौकरी पाने का, उसको प्राप्त करने के लिए ये YouTube चैनल आपके साथ जुड़ा हुआ है। इसको ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, प्रत्येक बच्चे के पास ये निःशुल्क भरी कक्षा पहुंच सके। हमारे टाइम जब हम प्रिपरेशन करते थे तो इस प्रकार का नहीं था, इसलिए हमें किताबों से, टीचरों से बहुत ज्यादा मेहनत करके, हार्डवर्क करके अपना जॉब को सिक्योर करना पड़ा था। लेकिन आपके लिए इतना मंच है, YouTube चैनल पर बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचरों के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसमें से सेलेक्ट कीजिए आपको किसकी लैंग्वेज समझ आ रही है, उसको फॉलो कीजिए ताकि आप बुक्स के साथ साथ कॉन्सेप्टों को भी क्लियर कर पाए, और उसके बाद बुक्स का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा। थैंक यू, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ।